एंजल प्रिया को तो आप जानते होंगे ना, एंजल प्रिया, नहीं सुना नाम? अरे वही फेसबुक वाली जिसके रिक्वेस्ट आते हैं आपके पास और आप बात करते हैं उससे, बाद में आपको पता लगता है कि एंजल प्रिया एंजल प्रिया का भाई था, मतलब लड़का था, आपको खूब फुद्दू बनाया गया। जिसका फेसबुक पर कोई नहीं होता उसका फेसबुक पर एंजल प्रिया होती है, ये उसका बड़ा हृदय है, वो किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और आपसे बात करती है। तो अब हमको एंजल प्रिया की छोटी बहन, मतलब बहन नहीं उसका छोटा भाई, यानी कि एंजल प्रिया जैसी एक आईडी, निशा नाम की आईडी, जिसको चला रहा था एक लड़का जिसका नाम था रवि, उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या कांड हो गया वो हम आपको बताते हैं। लड़की के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर टिप्पणी करना छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने रवि नामक इस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस युवक पर आरोप है कि वह लड़कियों के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर सांप्रदायिक टिप्पणी किया करता था। सबसे पहले तो पुलिस ने उस युवक को पकड़ने के बाद उससे निशा जिंदल, जो कि उसकी फेक फेसबुक प्रोफाइल थी, यानी कि एंजल प्रिया की प्रोफाइल थी, उस नाम की फेसबुक आईडी पर उसकी असली तस्वीर पोस्ट करवाई, यानी कि जिस आईडी को वो फेक बना के चढ़ा रहा था उस पर उन्होंने उस लड़के की यानी कि रवि की ओरिजिनल पोस्ट डलवा दी, उसकी ओरिजिनल फोटो डलवाई और साथ में कैप्शन लिखवा दिया कि मैं पुलिस कस्टडी में हूँ और मैं ही निशा जिंदल हूँ, ताकि जो लोग उसको निशा जिंदल समझ रहे थे वो उसको असली आदमी समझ जाएं कि वो रवि है और निशा जिंदल कोई नहीं है बल्कि वो एंजल प्रिया है। छत्तीसगढ़ में तैनात आईएएस अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सांप्रदायिक वैमनस्यता भड़काने के आरोप में जब रामपुर पुलिस एफवी यूजर निशा जिंदल को गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला कि 11 साल से इंजीनियरिंग पास नहीं कर पा रहे रवि वास्तव में निशा जिंदल है, यानी कि एक और एंजल प्रिया वहां की पुलिस को मिल गई। निशा के इस फेसबुक अकाउंट पर 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और जब पुलिस वालों ने इसको देखा तो रवि की ओरिजिनल फोटो वहां पर पोस्ट करवा दी। सांप्रदायिक टिप्पणी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने निशा जिंदल के नाम से बनी फेसबुक आईडी की छानबीन शुरू की थी। छानबीन के आधार पर पुलिस जब शुक्रवार को गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो निशा जिंदल की जगह पर उनको रवि मिला। पूछताछ में रवि ने कबूल किया कि वही इस अकाउंट को यूज करता है और ऑपरेट करता है। इसके बाद पुलिस ने युवक से निशा जिंदल के अकाउंट पर उसकी असली फोटो पोस्ट कराई। गिरफ्तार युवक रवि पर आरोप है कि वह लड़कियों के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाता है और फिर उससे सांप्रदायिक टिप्पणी करता है। इसके बाद कुछ लोगों ने इस आईडी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने रवि को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रवि या फिर किसी एक एंजल प्रिया या फिर किसी एक निशा की नहीं है, तमाम फेसबुक अकाउंट्स होते हैं जो फेक होते हैं और लोग अपने अपने मन की भड़ास उन फेसबुक अकाउंट उन फेक अकाउंट से निकालते रहते हैं और या फिर कुछ लोगों को उकसाते भी रहते हैं उन फेक अकाउंट्स के माध्यम से। हम आपसे अपील करते हैं कि इन फेक अकाउंट्स के चक्करों में ना पड़ें और अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करें और किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले या फिर उस पर कमेंट करने से पहले, उसको लाइक करने पसंद करने से पहले, शेयर करने से पहले 100 बार सोचें, उसकी सत्यता की जांच परख करें। आपको लगता है कि कोई वायरल मैसेज है या फिर कोई फोटो फुटेज है, उसकी पड़ताल के लिए आप हमारे पास भेज सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारी मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों की पड़ताल भी करते हैं। अगर आपको ऐसे पास कोई ऐसा फोटो है, कोई वायरल मैसेज है तो हमारे पास भेज दीजिए और आप इस प्रकार के फेक अकाउंट से बचने का प्रयास कीजिए। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया, धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुश्किल वक्त में मुल्क की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।